क्रॉपवे में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं गेहूं के लिए उपयुक्त जलवायु व तापमान क्या है एवं भूमि और खेत की तैयारी कैसे की जाए। गेहूं की जलवायु कैसी होनी चाहिए। गेहूं में व्यापक अनुकूलन क्षमता है। इसे न केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बल्कि समशीतोष्ण क्षेत्रों और सुदूर उत्तर के ठंडे इलाकों में भी उगाया जा सकता है। यह भीषण ठंड और बर्फ को भी सहन कर सकता है। आइए जानते हैं गेहूं के अनुकूल तापमान के बारे में। गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वानस्पतिक वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 16 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पत्तियां 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे बड़ी होती हैं। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने से पौधे की ऊंचाई, जड़ की लंबाई और जोत संख्या कम हो जाती है। तापमान के 22 से 34 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर हेडिंग तेज हो जाती है, लेकिन 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कम हो जाती है। अनाज के विकास पर 4 से 5 सप्ताह के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान अनाज के वजन को कम करता है। अब हम जानेंगे गेहूं के लिए कैसी भूमि का चुनाव करना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी, जहां सिंचाई अच्छे से की जा सके, वैसी मिट्टी का चयन करना चाहिए। पानी भरने वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए। भूमि को 3 से 4 बार अच्छी तरह से जोतना चाहिए और ठीक से समतल किया जाना चाहिए। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर ही बीज को बोना चाहिए। यदि मिट्टी सूखी है तो बुवाई से पहले हल्की सिंचाई करनी चाहिए। आइए जानते हैं गेहूं के खेत को कैसे तैयार किया जाए। पिछली फसल की कटाई के बाद खेत की अच्छे तरीके से ट्रैक्टर की मदद से जुताई की जानी चाहिए। उसके बाद 2 या 3 बार हल से जुताई की जाती है। खेत की मिट्टी को बारीक और भुरभुरी करने के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए। खेत की जुताई शाम के समय की जानी चाहिए और रोपाई की गई जमीन को पूरी रात खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि वह उसकी बूंदों से नमी सोख सके। आपके समय के लिए धन्यवाद। गेहूं की खेती से संबंधित और जानकारी के लिए क्रॉपवे के साथ बने रहें।